दिन रात रोटी फिकाई, ठंडी नहीं हो पाई कभी चूल्हे की आंच, भीतर ही भीतर सुलगती रही भ्रम के रही गाता है, भ्रम में रही गाता है हमारे प्रतिरोध को अखंड शांति की तरह आंका गया, कपड़ों से बैल छुटाते होते रहे अपने आंसू से मेरी एड़िया मेरी कौनिया दर्शाती हैं, कहां कहां हमने हल जोते कैसे भूखे जिंदगी के कर्मठ दिन, आदेशों पर चुकी रही पलके यही पर लाद दिए गए गहने, प्रतिष्ठा और प्रदर्शनी के साथ साथ बढ़ता गया पीठ पर वजन, अनोखी तरह ढोते रहे मिट्टी को मानो बरसात के बाद शाम में सफर चली, हाय कितनी बलैया कितने चेहरे उतने रंग कितने ढोंग धतूरों से ढाक दिया गया, ताना शाम के चेहरे जिंदगी के बोर्ड पर छपे रहे काली स्याही से मिटाने की कवायद बेकार साबित होगी, इसलिए हमने रख दिए अंधेरी कोठरी में शांत काली गए नहीं कभी अपनी जगह से हटके नहीं रास्ता, हमें क्या मिला बस यही अपनी परीक्षा से गुजरते हुए, वन वन हटके जगह जगह तैनात भेड़िए नौच खाए और अंधेरे में धकेल दी जाए उनकी सत्ता उनका न्याय, सब कुछ एक चक्रव्यूह रचती है जिसके भीतर सिर्फ कुदाले चलती है, सिखाती है उन्हीं की तरह जीने के नायाब तरीके संवेदनशीलता और भावुकता से, मैं एक कमजोरी है जितने जल्दी हो सके छिटक कर दूर हो जाए, संघर्षरत जीवन की तमाम कहानियां कविताएं बावजूद हुआ क्या, अजय आत्मा खोजती है केवलव्य में उस सवाल का जवाब जो सिर्फ मेरा नहीं है। दूसरी कविता है सिलबिलिया, वहां मत जाओ वहां जाल बिछा है, तुम्हारी आत्मा चुभने लगेगी तुम्हें भेद दिया जाएगा, तुम्हारी भूख पहचानी नहीं जाएगी, तुम व्रत कर लो तुम तप कर लो अपना इतिहास याद करो तय करो अपना भूगोल, जब वो चलने लगे बट्टा खिसने लगे धार इससे पहले चाक कर रख दो मिट्टी, सबकी भूख को पहचानो सिलबिलिया बाटो चटनी रख दो सबकी हथेली पर अमृत, तुम्हारे हाथों में बहुत स्वाद है बिल्कुल अम्मा जैसा, अपने दांतों का सही इस्तेमाल करो गड़ाओ सही जगह सही सही हिसाब किताब रखो, सीख लो अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, ना सीखने के बीच का अंतराल भी भरना है। एक और कविता है जिसका शीर्षक है कब होगा अंत, ये कविता शोषित वर्ग की स्त्रियों के लिए है, शिकारी रोजाना बदलता है अपनी जगह निस्तिम अनंत प्रलोभन में देता है सुनहरे सपने भर देता है मछलियों की आंखों में, मछलियां फंस जाती हैं जाल में चल देती है उनके पीछे पीछे, समंदर में नाव पर दंदनाता है मछलियों के खरीद फरोश का व्यापार, जानता है शिकारी देश में कहां कहां पहुंचानी है समंदर पार किन किन देशों में, समंदर में दिन रात रोती है मछलियां कैद में आंसू पत्थर बन जाते हैं, षड्यंत्र से बचने के लिए उनकी आत्मा छटपटाती है थक कर दम तोड़ देती है उनकी कोशिशें स्वीकार कर लेती है दुर्भाग्य, जिन्होंने मछलियों को काट कर अटकाया अपनी विकृतियों के कोनों से गर्भ ग्रह को तोड़ा निचोड़ कर रख मृत्यु सैया तक पहुंचाया, कौन लाएगा उन्हें कटघरे तक, मछलियां मारी जा रही हैं कूड़ेदान में नदियों में चौराहे पर नालियों में गठरों में, कहां कहां नहीं हो रहे शब्द बरामद, वे पूछती हैं
कब होगा अंत। एक और कविता है, इसका शीर्षक है छोटी छोटी लड़ाइयाँ। बहुत ही बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हमने छोटी छोटी चीजों के लिए, लड़ते लड़ते जान गए कि चीजों के लिए लड़ना कितनी बचकानी हरकत है, फिर भी लड़ने लगे सांसों के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ। कविता का शीर्षक है स्थानांतर। स्थानांतर, ये कविता उन बच्चियों के लिए है जो देश के कोनों कोनों से काम करने के लिए शहरों में लाई जाती है और उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, उन बच्चियों को साथ हम कितना न्याय करते हैं। कविता का शीर्षक है स्थानांतर। वो लड़की कहाँ से लाई गई है, कितने में कितने मालिक रहे होंगे स्थानांतर के दरमियान। पाठशाला के वक्त लंच बॉक्स भर रही है, स्कूल जाते बच्चों के लिए बना रही है चॉकलेट वाला दूध, साहब और मैम साहब के लिए लगा रही है मेज, जबकि सूरज सिर पर तल गया है, एक घूंट चाय तक नसीब नहीं, उसे कौन जाने कितनी गुफाओं से निकल कर आई है। दंशित दहलीज से टिकी वो नहीं जानती दहशत, सीमाएं लांघना सिखाती है, वो रोजाना खरोचती है मेरी आत्मा, जैसे किसी चीज के लिए विचर रही हो कि मैं ढूंढने लगती हूँ पृथ्वी के हर कोने में, ना पाकर हर आती हूँ अपराध बोध से। एक और शीर्षक है कविता, कविता का शीर्षक है संवाद और मनुष्य। दो लोग करते हैं संवाद, बनता है शहद, बहुत जरूरी है शहद का बनते रहना। दो लोगों के बीच दीवारों से संवाद निरर्थक है, वह है संवेदनाओं का एक तरफा संवाद, लिखता है पीड़ा की गाथा। संवाद पर टिका है संसार, संसार की सृष्टि के लिए रचने होंगे संवाद, जो बेहद आत्मिक हो और संवेदनशील भी। एक कविता है उन बच्चियों के लिए जो आज दहशत में है। कविता का शीर्षक है इसी तरह सोचो। इसी तरह सोचो, धूप में तपने दो देह, अंधेरे में सिकुड़ गई मेमना सी कांपती आवाज ने, नील किले की दीवारों को फांद कर नई राह पकड़ी है। लोहा आग में पिघलता है तब लेता है आकार, किसी भी सांचे में ढल जाए वो अपनी ताकत नहीं खोता। बिटिया इसी तरह सोचो, तभी जिंदा रह पाओगी इस जंगल में। कविता का शीर्षक है इसी आग में। वह भी कहाँ भागे जा रहे हैं, सब के साथ पीछे मुड़कर देखो एक बार उन बच्चों की तरफ जो लपटों के बीच बेसुध सपनों में लिख रहे हैं अनंत सूरजमुखी। दहशत से बेखबर बाहर धधक रही है आग, चूल्हे की आंच जैसे जैसे दूर जा रहे हो उतनी ही तेजी से नजदीक आ रही है गंध। तुम इस गंध से पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि इसी आग में से आ रही है रोटी की महक। कविता का शीर्षक है माँ की मौजूदगी दर्ज नहीं हो रही है। माँ ने कभी भूखा नहीं सोने दिया अपने बच्चों को, काश बच्चे जान पाते चंद्रमा से गोल रोटी उसने सबकी थाली पे परोसी, उसके हिस्से में केवल चंद्रमा आया, टुकुर टुकुर देखती रही रात। उसने भी कहाँ पूछा मेरी बहन तू भूखी तो नहीं, जबकि सदियों से बच्चों को बता रही है चंदा मामा दूर के। काश उसके वश में होता तो जाकर बैठ जाती उसके भीतर बूढ़ी दादी बनकर, तब सब होते उसके इर्द गिर्द नाती पोते,
तब खुशी का ठिकाना नहीं होता। यही तो है उसकी पूरी दुनिया। दुनिया कविता का शीर्षक है इसी आग में। वह भी कहां भागे जा रहे हैं, सबके सब पीछे मुड़कर देखो एक बार उन बच्चों की तरफ जो लपटों के बीच बेसुध सपनों में लिख रहे हैं अनंत सूरजमुखी। दहशत से बेखबर बाहर धधक रही है आग, चूल्हे की आंच जैसे जैसे दूर जा रहे हो उतनी ही तेजी से नजदीक आ रही है गंध। तुम इस गंध से पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि इसी आग में से आ रही है रोटी की महक। कविता का शीर्षक है माँ की मौजूदगी दर्ज नहीं हो रही है। माँ ने कभी भूखा नहीं सोने दिया अपने बच्चों को। काश बच्चे जान पाते चंद्रमा से गोल रोटी उसने सबकी थाली पे परोसी। उसके हिस्से में केवल चंद्रमा आया, टुकुर टुकुर देखती रही रात भर। उसने भी कहाँ पूछा, मेरी बहन तू भूखी तो नहीं, जबकि सदियों से बच्चों को बता रही है चंदा मामा दूर के। काश उसके वश में होता तो जाकर बैठ जाती उसके भीतर बूढ़ी दादी बनकर। तब सब होते उसके इर्द गिर्द नाती होते, तब खुशी का ठिकाना नहीं होता। यही तो है उसकी पूरी दुनिया। दुनिया से बाहर हो रही है माँ। बच्चों की अपनी दुनिया है जिसमें माँ नहीं है ना चंदा मामा। माँ की अनुपस्थिति में कैसे उड़ा रहे हैं निवाला पे निवाला। भूख है कि शांति नहीं हो रही, मानो माँ पत्थर की मूर्त हो गई, मौन के भीतर प्रवेश कर गई। एक दिन माँ लापता हो गई घर से, खोजते हुए पहुंचे मंदिरों में गिरजाघरों में अजान में गुरुद्वारे में। नहीं थी माँ मौजूद कहीं, माँ के ऊपर टिकी है पृथ्वी, फिर भी माँ की मौजूदगी दर्ज नहीं हो रही। एक और खास कविता है, कविता का शीर्षक है कैद। वह हंसती है, हंसना एक सकारात्मक क्रिया है, इसलिए वह हंसती है सुबह से शाम तक। शामिल है उसकी हंसी में चूल्हे की आंच, पसीने की गंध और नमक का स्वाद। ईंट पत्थरों की दीवार पर, दरवाजे और सतहों पर हंसती है, दुर्ग द्वार पर बैठे संतरी, दीवाने खास पर रखी सुराई, जीने के इंतजाम बहुत है मैकदा। कनीज पूरे दिन आईना देखती है, टोल पहुंच कर हंस पड़ती है। चेहरे कितने खौफजदा, नहीं रोती है वो, जानती है उसके रोने का सही अर्थ नहीं दे पाएगा कोई। उसका रोना आशावाद के मुख पर एक काली खोद सकता है। विलुप्त प्राय धूप हवा पानी झाड़ियों से छरे कांटे भीतर तक धसे, सुई से कुरेदे हुए असहाय फिर वह हंसती। हंसती है खिड़की खोलते हुए, देखती है तारों से भरा आसमान। चंद्रमा जो उसके भीतर बचरा था सितार की तरह, और वह हंस देती है। कविता का शीर्षक है अभी मत करो दावा, नहीं हो मेरे प्रेम में तो। अभी भी जिंदा है सती की गाथाएं, अग्नि परीक्षा देती सीता, राह देखती उर्मिला, हर मोड़ पर खौफ से भरी हुई स्त्रियां। मौजूद है द्रौपदी की चीख, अभी मत करो दावा, नहीं हो मेरे प्रेम में तुम। हर सन्नाटे को बुन रहा है दहलीज हवन कुंड, रिश्तों की पराजय से
ढलती शाम में सत्संग में वक्त काटती, बंधी मोक्ष के चक्रव्यूह में प्रेम से बहुत दूर जीवन में हकाली गई स्त्रियां आसमान में उड़ती हैं, वह भी चिड़िया गर्दन पर धार धार मांझा रखे जाने का खौफ उसे भीतर तक हरदम सहलता है। कक्षा में प्रवेश करती हुई लड़की सोचती है अपने सहपाठी से बायोलॉजी के उस पाठ की चर्चा के बाद अचानक से हो जाएगी स्त्री, देर तक दोहराएगी सबक। एक लोक जीवन से इस कविता का बहुत गहरा रिश्ता है। इस कविता का शीर्षक है गुलाबी हो। स्त्रियों के हाथ सिलाइयों पर चलते हैं, घूम आते हैं पूरा संसार। जैसे जैसे ऊन खुल जाती है, खुलती है आपस में मन की ग्रह भी। मंझली चाची ने बनाया गुलाबी कोट का पहला भाग, पीछे पीठ ढकी रहे, सुंदर और आकर्षक लगी पीछे से। उसमें उभर आए सूरज से लदी बजनी स्त्री की पीठ, देखने न पाए कोई इस नग्न त्वचा और गेहुआ रंग। रोजाना गुनगुने धूप ही छुए गुलाबी रंग, और उसकी गर्माहट में बची रहे उजली सुबह। छोटी चाची ने बनाए अग्रभाग के दोनों हिस्से, जिस पर सूरजमुखी के दो पीले फूल उगे जैसे धूप के स्पर्श से खिल गए हों। कितने दफे फंदे डूबे उठाए, डिजाइन तैयार हो गई, एक बार ठान ले बस यही करके दम देती हैं दोनों। बहुत जिद्दी थी, कठिन से कठिन बुराई भी सरलता से पार लगाती थी। हुनरमंद स्त्रियां जानती हैं जटिलताओं से सरलता के मार्ग। गृहस्थी के बोझ तले दबी दोपहर इकट्ठे हंसते गाते गुजारती हैं स्त्रियां, तयशुदा अपनी जगह बैठने को आतुर। माँ के नसीब में तो आस्तीन आई कि रोटी की थाप पर बारीक जाली वाली बुनाई डाली, जिसमें से उजाला छन छन कर आता रहा। गुनगुनी धूप बिठाती रही, सिकती रही देह माँ की धुंधली आंखों में। अनुभव के तार पर सलाई चलती रही, रखी रही चुपचाप डिब्बी में दिया सलाई। नीली आस्तीन उस पर मिट्टी का रंग, गुलाबी रंग उतर आया। जिसने भी देखा हचप्रभ रहा माँ की कलात्मकता पर। जिसने माने टाके सुरक्षा में तैनात सुनहरे बटन, अपने साथ ले आई गुलाबी रंग और नीली आस्तीन। दहलीज बदलते हुए जाने कहाँ छूट गया कोट। धन्यवाद।